What's up guys? मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक राय और आज हम आए हैं कहां? गेस करिए, ग्वालियर फोर्ट में। तो चलिए सफर अपना शुरू करते हैं। यहाँ का नज़ारा आप देख रहे हैं कि यहाँ से पूरा ग्वालियर शहर आपको दिखाई दे रहा है और जो नज़ारा है वो देखने लायक है, तो आप देखिए। मैप जो पत्थर पे इस तरह से डिजाइन किया गया है। तो पहले के टाइम पे फैन वगैरह तो होते नहीं थे, फिर भी जो किला है वो काफी ठंडा रहता था, और इसकी वजह क्या थी ये सोचने वाली बात है। तो सोचिए और आगे देखते रहिए। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस किले में मैं पहली बार नहीं, कई बार और आ चुका हूं, पर इस किले में ये मैं 12 साल बाद आ रहा हूं लगभग। मेरे हिसाब से 12 साल से और ऊपर हो गया होगा, पर कम से कम 12 साल तो हो ही गया है। तो अगर एक बार भी आप इस स्पॉट में नहीं आए, यानी कि ग्वालियर के किले में नहीं आए, तो एक बार ज़रूर आके देखिएगा, मज़ा आ जाएगा, मेरी मानिए। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखने के बाद आपको पता ही चल जाएगा कि मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ। तो अगर आप नहीं आ सकते यहाँ पे तो टेंशन मत लीजिए, मैं तो आपको ले ही आया हूँ और एक एक नज़ारा आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा इस स्पॉट का। तो अब बातें कम और नज़ारे ज़्यादा। चढ़ने में हालत ख़राब हो रही है, बुरी हालत हो चुकी है भाई। आप देख रहे हैं कि कितनी खड़ी चढ़ाई है। तो उतरते समय तो फटफट उतर गए हम लोग, पर चढ़ते समय अंदाज़ा लग रहा है उतना चढ़ना आसान नहीं है। तो अभी हम यहाँ अंदर जा रहे हैं, और यहाँ के लिए मैंने टिकट ले लिया था, पर यहाँ पे गार्ड साहब बैठे हैं जिन्होंने बताया कि अंदर कैमरा ले जाने के लिए अलग से टिकट लेना पड़ेगा, और ये मैं टिकट ले आया हूँ, क्योंकि कैमरा नहीं जाएगा तो आप लोग कैसे जाएंगे, यानी कि आप लोग के लिए ये टिकट लिया है। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम लोग ग्वालियर फोर्ट के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ किस तरह से आपको फोर्ट में कलाकारी यानी कि नक्काशी देखने के लिए मिलती है वो आप यहाँ देखेंगे।
यहाँ से जाना कहाँ है यही समझ में नहीं आ रहा, और काफ़ी समय हो चुका है वैसे आए हुए, तो चलते रहते हैं कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे ही। और यहाँ लग रहा है चमगादड़ वगैरह बैठे हुए हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। एक बार ऐसा ही हुआ था कि मैं किसी खाली जगह पे अचानक से गया गुफा में, और ऐसा ही कोई फोर्ट था, यही फोर्ट था शायद, और अचानक से वहाँ पे इतना सा दरवाज़ा था और वहीं से चमगादड़ खूब तेज़ी से यानी कि काफ़ी स्पीड में मेरे सर के ऊपर से होके गुजरे, और काफ़ी वो झुंड में थे। तो आप सोच सकते होंगे कि वो मंज़र किस तरह का हुआ कि आपके सर के ऊपर से कम 50-60 चमगादड़ होके निकले हैं। तो आपको रिप्ले देखना है, मजाक कर रहा हूँ, रिप्ले दिखाने के मूड में नहीं। तो आइए अब आपको दिखाता हूँ कारागा, जेल, पुरानी जेल। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यह लग रही है, और यहाँ समझिए आना ही कितना सोचने में भयानक भरा लग रहा है, और यहाँ किसी को अगर रखा जाता होगा तो उसे कैसा लगता होगा। और अंदर पूरा अंधेरा, अभी अंदर चलते जा रहे हैं और आप मेरे को देख रहे हैं। बहुत नहीं स्वच्छ बनेगा इंडिया, और शायद ये शौचालय है, मेरे को वैसे कंफर्म नहीं है, पर लग वैसे ही रहा है। आप देख रहे हैं कितने सारे चमगादड़ यहाँ पे हैं। तो एक तरह से आपको ये भूतिया किला दिख रहा होगा, और काफी चमगादड़ इसके अंदर हैं और उड़ रहे हैं, और काफी खतरनाक जगह लग रही है ये देखने में। तो आप जैसे कुछ हॉरर मूवीज में देखते हैं, कहाँ पहुँच गया हूँ वो मैं दिखाता हूँ, और काफ़ी डरावना लग रहा है वैसे ये एरिया, और यहाँ आवाज़ जो है मेरी काफ़ी गूंज रही है। आप देख रहे हैं भूतों के पैरों की आवाज़ आ रही है, टिक टाक टिक टाक। हालत खराब हो गई है, और इसलिए यहाँ पे आके हम बैठ गए हैं। दोनों तरफ से हालत खराब है, यहाँ से भी यहाँ से भी, समझ रहे हैं ना, पूरी तरह से। आहट सुनाई दे रही है आपको, जो ग्वालियर फोर्ट था वहाँ से हम लोग बाहर निकल आए हैं, और अभी आगे की तरफ चल रहे हैं। आइए फ्रेंड, एक बेहतरीन इन्वेंशन दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये है तोप, आपने कभी नहीं देखा होगा। नया इन्वेंशन हमेशा देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। बेहतरीन चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो आपने शायद देखी ज़रूर होगी पर यूज़ कमी की होगी, तो प्लीज़ उसका यूज़ करिए, और वो है कचरे का डब्बा। अब्बा जब्बा अब्बा, thank you।
ये जो बजा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको रावणत्था बोलते हैं। रावणत्था। कितने समय से बजा रहे हैं आप? बचपन से बजा रहे हैं। कहाँ से आप? शिवपुर। शिवपुर से आए हैं तो रोजाना आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देख रहे हैं कि भैया को काफ़ी सारे धुन यहाँ पे बजाने आते हैं और ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे बजा रहे हैं और आप सुन सकते हैं। ये शिवपुर से रोजाना यहाँ आते हैं और इसी तरह यहाँ पे अपने सुरीले धुन सबको सुनाते हैं। बस पांच हो गया पीस। तो यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं ये सिर्फ हाथ से बना हुआ है, हैंडमेड मटेरियल है यहाँ पे पूरा। और ये बुंदेलखंड से आया हुआ है और ये भैया की एकमात्र यहाँ पे शॉप है। तो आप इस शॉप के बारे में कुछ बता सकते हैं? इस शॉप का नाम है बुंदेली। तो आप यहाँ आइए तो ज़रूर इस शॉप पे विज़िट करिए। तो हिस्ट्री में पहली बार आप किसी मंदिर को देख के हंसेंगे, मतलब उसका नाम को देख के हंसेंगे। तो देखिए सास बहु मंदिर। तो ये है सास बहु मंदिर आपके पीछे, वैसे देखने में काफ़ी अच्छा है। ये है मंदिर का एंट्रेंस पीछे जो आप देख रहे हैं और साथ में काफ़ी और अलग अलग मंदिर भी यहाँ पे छोटे छोटे बने हुए हैं। तो यहाँ जो नक्काशी है वो काफ़ी लाजवाब है और आप खुद ही सोच सकते हैं कितना मुश्किल होगा इसको यहाँ पे पत्थर पे इस तरह से नक्काशी को गढ़ना और कितनी बारीकी से ये काम किया गया है ये आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। अब यहाँ से भी हम प्रस्थान ले लेते हैं। तो ये आपके सामने है तेली मंदिर और ये किस तरह से है इसका बनावट यानी कि ढांचा किस तरह से वो आप देख सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चलते देखते हैं कि किस तरह से है ये देखने में, अंदर से क्या हमें देखने के लिए मिलेगा इस मंदिर के अंदर। यहाँ से भी हम रवाना हो चले हैं। अभी आप अपने पीछे जो देख रहे हैं यानी कि मेरे पीछे देख रहे हैं अपने नहीं, ये है सूरज कुंड और ये सूरज शाह जो राजा थे उन्होंने ये बनवाया था और काफ़ी प्यारा लग रहा है ये देखने में। वैसे तो जो पानी है पूरा हरा हरा आपको दिख रहा होगा इस समय। अभी हम गुरुद्वारे में आ चुके हैं मत्था टेकने। अभी मैं गुरुद्वारे से मत्था टेक के निकला हूँ।
तो यहाँ पे एक साउंड लाइट शो भी होता है जिसमें किले वगैरह पे लाइट दिखाई जाती हैं और किले के बारे में बताया जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा शो होता है। अगर आप शाम को यहाँ रुकने वाले हैं या शाम तक यहाँ आने वाले हैं तो ज़रूर उसे भी देखे जा सकते हैं। और मैं सुबह से यहाँ आया हूँ, पर अगर आप शाम को आते हैं या इवनिंग में आते हैं तो इवनिंग में घूमते घूमते शाम हो जाएगी और आप वो शो 7:30 बजे या ठंड में आते हैं तो 6:30 बजे देख के जा सकते हैं। तो आज का सफ़र हम यही समाप्त करते हैं, यानी कि आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पसंद आने पे ज़रूर लाइक करिएगा। आई होप पसंद तो ज़रूर आया होगा, तो लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सी यू अगेन।